हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 5-6 वीडियो से अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह हमारा धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं आदिवक था, जिससे 5-6 वीडियो अपलोड हुए हैं। और कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था वह हमारा शैव धर्म, वैष्णव धर्म एवं शरण दर्शन जो भी हैं और वेदांत से संबंधित क्वेश्चन थे। तो कल के क्वेश्चन में जो हमारा मॉक टेस्ट अपलोड किया है उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। अपलोडिंग में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिख तो रहे हैं स्क्रीन पर उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाई पड़ रही है। उसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं उसका जो आंसर है हमने कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रिंट कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं उसको बता भी देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 था कि पांच रात्र संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो उसमें आपके सामने ऑप्शन थे भक्ति सिद्धांत, बिहू सिद्धांत, तो उसका सही उत्तर था बिहू सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 10 था कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन था ऋषभ देव, घोर अंगिरस, एक और कोई ऑप्शन था, तो उसमें सही उत्तर होगा घोर अंगिरस। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, और आपको जब आंसर के आप जाके कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो आइए आज का हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, किस उपनिषद में कहा गया है कि सत है न असत है केवल शिव है, सत है न असत है केवल शिव है। तो आपके सामने ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, काठो उपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद, तो इसका सही उत्तर है श्वेताक्षर उपनिषद। तो श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है न सत है न असत है केवल शिव है। और अगर हम देखें कि सबसे पहले हम शिव का प्रारंभिक रूप जब मिलता है, तो जैसा कि सिंधु सभ्यता से पाशुपति की जो मूर्ति मिली है, मुहर मिली है, तो उसे सबसे प्राचीन मानते हैं और सबसे पहला साक्ष्य मानते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो सबसे प्राचीन संप्रदाय या कहें कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले अगर किसी ईश्वर की एक मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमें पाशुपति के रूप में शिव जी का ही साक्ष्य मिलता है। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में पूजा गया है, और श्वेताक्षर उपनिषद में उनके लिए कहा गया कि न सत है न असत है केवल शिव है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या है। हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है, हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है, ऑप्शन है एलोरा की गुफा से, बादामी की गुफा से, अजंता की गुफा से, तो यहाँ इसका सही उत्तर है आपका बादामी की गुफा से। अब यहाँ हरिहर से आप देखिए कि हरि हरि विष्णु के लिए, हर शिव के लिए, तो हरिहर प्रतिमा क्या होती है, इसमें आधा हिस्सा भगवान विष्णु का होता है, आधा हिस्सा शिव का बना होता है। तो इससे पूछ रहा है कि हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली है, मतलब इस रूप का जो हरिहर के आधा विष्णु आधा शिव के रूप में जो मूर्ति है, सबसे प्राचीनतम प्रतिमा उनकी कहाँ से मिली है, तो इसका सही उत्तर है बादामी की गुफा से। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ न्याय सूत्र की रचना किसने की, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ न्याय सूत्र की रचना किसने की, ऑप्शन है वत्सायन, गौतम, धर्म कीर्ति, तो ऑप्शन एक बार फिर से देखिए वत्सायन, गौतम, धर्म कीर्ति, तो इसका सही उत्तर है गौतम। अब यहाँ पे देखिए कि न्याय दर्शन का ही ये ग्रंथ है न्याय सूत्र, और इसकी रचना किसने की थी, गौतम ने, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, और ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, और इनका इस दर्शन को एक अनविच्छिकी नाम से भी जाना जाता है। और न्याय दर्शन तर्क विद्या जो है न्याय दर्शन का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और न्याय दर्शन में जो है 16 पदार्थों तत्वों तथा ईश्वर की सत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें,
और प्रमाण की चार विधियां बताई हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुमान लगा के, उपमान लगा के, शब्द द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप कुछ प्रत्यक्ष देखे हैं तब, या कुछ चीज़ें देखें उसके बाद आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, या उपमान, उपमा देखें, और यूं शब्द, जो शब्द उसमें इस्तेमाल हुए हैं उसके आधार पे आप तर्क कर सकते हैं। तो तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ न्याय सूत्र की रचना किसने की है? गौतम ने, और इन्हें अष्टपाद भी कहते हैं। इस दर्शन का एक जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे ये, और इन इस दर्शन का एक अन्य नाम भी है अनविच्छिकी। और इस दर्शन में, न्याय दर्शन में क्या है कि 16 पदार्थों, तत्वों की तथा ईश्वर की सत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। और जैसे कहा कि इस दर्शन की मान्यता है कि कोई भी चीज़ आप तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें, और प्रमाण के लिए उन्होंने चार विधियाँ बताई कि आप प्रत्यक्ष देख के, या अनुमान लगा के, या उपमान, या शब्दों के द्वारा आप मानिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। इस दर्शन की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? अब यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि पहला तो आपका ये क्लियर हो गया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इस दर्शन की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, तो ऑप्शन है पंचशिख, सांख्य कारिका, सांख्य तत्व। तो इसका सही उत्तर है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका जो है यह आपके सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। और इसकी रचना किसने की है? तो ईश्वर कृष्ण ने। और यही आपके सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और एक विशेषता इससे है कि जो हमारे यहाँ दर्शन है, शरण दर्शन है, सांख्य दर्शन इसमें से सबसे प्राचीनतम दर्शन है। और इस दर्शन का देखा जाए तो जैन धर्म पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि महावीर स्वामी का पूछा जाता है कि जैन धर्म का सबसे निकट का साम्य किससे है, तो सांख्य दर्शन से है। सांख्य दर्शन की एक मान्यता थी, सांख्य दर्शन में मानता था कि जगत की उत्पत्ति जो ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुआ है, और इसीलिए इस दर्शन को सत्य कार्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सांख्य दर्शन में जो है सृष्टि के तीन गुण माने गए हैं, जिसे सतगुण, रजगुण एवं तमोगुण, तो इसे ही त्रिगुण सिद्धांत भी कहा जाता है। और हाँ, एक बात है कि सांख्य लोग, जो सांख्य दर्शन को मानने वाले, ईश्वर का खंडन नहीं करते हैं, यदि अपनी आराधना पद्धति पर वो ईश्वर की आवश्यकता को भी नहीं समझते थे। मतलब कहने का कि जैसे कि भगवान बुद्ध को आप देखेंगे तो उन्होंने क्या है कि ईश्वर की अस्तित्व को नकारा है, पर सांख्य दर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ईश्वर को उन्होंने अपनी पद्धति, पूजा पद्धति में, आराधना पद्धति में आवश्यकता तो नहीं समझते, पर ईश्वर को जो है उन लोगों ने कहीं से ईश्वर के अस्तित्व का खंडन भी नहीं किया है। तो और यही चीज़ जैन धर्म में आप देखते हैं, इसी से कहते हैं कि जैन धर्म का इस पे, इस सांख्य दर्शन का काफ़ी प्रभाव था कि महावीर स्वामी भी हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को तो नहीं स्वीकारते, पर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते पर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो कहते हैं कि सांख्य दर्शन का जैन धर्म पे काफ़ी प्रभाव था। आइए देखें अब क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है। वैशेषिक सूत्रों की रचनाकार कौन है? वैशेषिक सूत्रों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कदाण मुनि, वादरायण, जैमिनी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। वैशेषिक सूत्रों की रचनाकार कौन है? कदाण मुनि, वादरायण, जैमिनी। तो इसका सही उत्तर है कदाण मुनि। अब वैशेषिक एक दर्शन था जिसके प्रवर्तक कदाण मुनि को माना जाता है। उनका नाम कहीं कहीं आपको उलूक भी मिलेगा, काश्यप भी मिलेगा, कर्णभूक भी मिलता है। तो इनको ही वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और जो वैशेषिक सूत्र जो है वो इसी दर्शन का ग्रंथ है जिसकी रचना कदाण मुनि ने की थी। और उलूक कहिए या कदाण मुनि कहिए, इन्हीं को ही भारत में परमाणुवाद का स्थापना एवं भौतिक शास्त्र का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है।
तो और इसकी मान्यता थी कि जो विशेष पांच पदार्थ होते हैं पंच महाभूत, जिसे कहते हैं पृथ्वी आकाश जल पवन एवं अग्नि के मेल से ही इनकी मान्यता थी कि नई वस्तुओं की सृष्टि होती है। और वैशेषिक दर्शन जो है बहुत न्याय दर्शन से काफ़ी कुछ मेल खाता, बहुत निकटता का संबंध है। तो अगर आपके सामने ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कदाण मुनि हो सकता है कि ऑप्शन में उलुक भी दिया हो, काश्यप दिया हो या कर्णभुक दिया हो, तो ये सब इन्हीं के अन्य नाम हैं। और जैसा कि क्वेश्चन है वैशेषिक सूत्रों की रचनाकार कौन है, तो कदाण मुनि। और यहाँ पूछ लें कि भारत में परमाणुवाद की स्थापना और भौतिक शास्त्र का आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी आपके सामने उत्तर होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसका सही उत्तर होगा कदाण मुनि। उलुक बताया जैसे कि हो सकता है कि ऐसा भी दिया हो नाम। और इस जो वैशेषिक सूत्र है या किसका दर्शन ग्रंथ है, तो ये वैशेषिक दर्शन के ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना कदाण मुनि ने की है। इस दर्शन में मान्यता है, जैसा मैंने बताया, कि विशेष पांच पदार्थ से सभी नई चीज़ों की सृष्टि होती है, रचना होती है, और वो क्या है, पृथ्वी आकाश जल पवन एवं अग्नि। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम अचपाद है, इस दर्शन में कितने पदार्थों तत्वों को स्वीकार किया गया है। अभी मैंने हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें कि न्याय दर्शन के ग्रंथ से संबंधित था न्याय सूत्र, तो यहाँ पे पूछा न्याय, जैसे आपको बता रहा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम अचपाद हैं, इस दर्शन में कितने पदार्थों को या तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन है 25 तत्वों को, 5 तत्वों को, 16 तत्वों को। तो इसका सही उत्तर है जो 16 तत्वों, 16 पदार्थों या तत्वों का इसमें मान्यता है, उल्लेख हुआ है। और जैसा कि क्वेश्चन में ही, इससे जो संबंधित क्वेश्चन था उसमें ही बताया, तो इसमें क्या था कि ईश्वर की सत्ता का अस्तित्व भी स्वीकार है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो योग दर्शन है या अभी हमारे शरण दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, तो इसमें किसी में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, किसी में नहीं, और सभी में पदार्थों तत्वों की जो स्वीकारता है वह अलग अलग है। अब जैसे आप सांख्य दर्शन में तो 25 तत्वों को साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया, पर वहीं पर आप न्याय दर्शन में देख रहे हैं कि 16 पदार्थों तत्वों को उन्होंने उसमें स्वीकार किया जाता था। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये अभी जैसे वैशेषिक दर्शन था उसमें विशेष पांच पदार्थों तत्वों का स्वीकार किया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया। जैसे कि आप समझिए कि अगर आ जाए कि किस दर्शन में आपके सामने ऑप्शन होगा सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन, तो या मीमांसा दर्शन, तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया, तो वहाँ पे होगा आपका 25 तत्वों का। और आपके सामने आ जाता है कि न्याय दर्शन में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया, कितने पदार्थों की स्वीकारता है, तो 16 तत्वों की। देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर भट्ट किस दर्शन से जुड़े थे। कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर भट्ट किस दर्शन से जुड़े थे। आपके सामने ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, तो इसका सही उत्तर है मीमांसा दर्शन। अब जैसे कि आपने देखा कि कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर भट्ट किस दर्शन से जुड़े थे, मीमांसा दर्शन से। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी। और ये आ जाए कि मीमांसा दर्शन पे सूत्र, मीमांसा सूत्र की प्रतीका किसने लिखी थी, तो सवर स्वामी ने। और मीमांसा दर्शन का ये क्या था कि इसमें वैदिक कर्मकांडों का इस दर्शन में काफ़ी प्रभाव, प्रमुख स्थान था, और उनका मानना था कि वेदों द्वारा विहित धर्म, कर्म ही धर्म है, और इस दर्शन में यज्ञवाद का भी समर्थन किया और वेदों को नित्यम और पौरुषीय माना। तो जैसे आपके सामने आ जाए कि कौन से दर्शन में वेदों को नित्यम और पौरुषीय माना गया है, तो मीमांसा दर्शन में। और ऐसा भी बन सकता है कि क्वेश्चन कि किस दर्शन में आपके सामने न्याय दर्शन दे देगा, सांख्य दर्शन दे देगा, मीमांसा दर्शन दे देगा, वैशेषिक दर्शन दे देगा, तो उसमें पूछ ले कि वैदिक कर्म कांडों का किस दर्शन में प्रमुख स्थान था, निम्नलिखित में से किस दर्शन में प्रमुख स्थान था, तो आपका
सही उत्तर होगा मीमांसा दर्शन, क्योंकि इसमें वैदिक कर्म कांडों का प्रमुख स्थान था। और इस ऐसे भी एक बार क्वेश्चन बना है कि किस दर्शन के अनुसार, किस दर्शन का मत था कि वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका भी आपका मीमांसा दर्शन होगा। कह रहे हैं ना, मतलब इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं। और जैसा कि बताया कि कौन किस दर्शन में वेदों को नित्यों अपौरुषीय माना गया है, तो मीमांसा दर्शन में, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्मकांडों का प्रमुख स्थान था। उनके मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों द्वारा विहित कर्म ही धर्म था, और उन्होंने वेदों को नित्यों अपौरुषीय माना, और वैदिक मंत्रों को, उनका कहना था, उनका मत था कि वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या है? शंकराचार्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शंकराचार्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन है, शंकराचार्य बौद्ध धर्म के सर्वस्तिवाद धर्म की कड़ी आलोचना करते थे, किंतु महायान धर्म की नहीं करते थे। उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र एवं गीता पर भाष्य लिखा। उन्होंने काशी के तट पर कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, या मतलब शास्त्रार्थ किया था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया शास्त्रार्थ किया था। तो आपके सामने फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि शंकराचार्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शंकराचार्य बौद्ध धर्म के सर्वस्तिवाद धर्म की कड़ी आलोचना करते थे, किंतु महायान धर्म की नहीं। उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र एवं गीता पर भाष्य लिखा था। उन्होंने काशी के तट पर कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ किया था। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो सही उत्तर है कि कथन जो सी है वह गलत है, क्योंकि यह कथन असत्य है, क्योंकि उन्होंने काशी के तट पर नहीं, कुमारिल भट्ट से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, प्रयाग में किया था, काशी के तट पर नहीं। तो यहाँ पे अगर प्रयाग होता तो आपका ये भी ऑप्शन सही होता। और एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसे पूछ लें कि ये असत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है, या कोई नहीं, तो वहाँ पे कोई नहीं हो जाता। परंतु यहाँ पे काशी के तट पर है, तो कुमारिल भट्ट से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, किंतु काशी के नहीं, प्रयाग में किया था। और उन्होंने, जैसे आपका बी ऑप्शन देख रहे हैं, उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र एवं गीता पर भाष्य लिखा था, यह कथन सत्य है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के सर्वस्तिवाद की कड़ी आलोचना की, किंतु महायान धर्म की नहीं की, यह भी कथन सत्य है। क्योंकि कहते उन्होंने सर्वस्तिवाद की तो कड़ी आलोचना की, लेकिन महायान धर्म की नहीं की, और इसी कारण उन्हें कपट बुद्ध या अप्रत्यक्ष बौद्ध भी कहा जाता था। तो इसमें देखेंगे कि आपका ये ऑप्शन सही है, कथन सत्य है, और आपका बी कथन भी सत्य है, परंतु कि सी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने काशी के तट पर नहीं, कुमारिल भट्ट से प्रयाग में शास्त्रार्थ किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ क्या है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने पहला कथन है, लकुली गुजरात के लाट प्रदेश कायारोहण के रहने वाले थे। बी कथन है, लकुलिस ऐतिहासिक व्यक्ति थे, मेवाड़ राजस्थान में उनका एक मंदिर है। सी है, एलोरा गुफा से लकुलिस की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे जो है आपका, इसका सही उत्तर है कथन सी, असत्य है, क्योंकि लकुलिस गुजरात के लाट प्रदेश के कार्यारोहण के रहने वाले थे। यह कथन सत्य है, लकुलिस ऐतिहासिक व्यक्ति थे, मेवाड़ राजस्थान में उनका एक मंदिर है, यह भी सत्य है। और किंतु आपका कथन सी जो है, एलोरा की गुफा में लकुलिस की प्रतिमा प्राप्त हुई, या कथन असत्य है। लकुलिस की प्रतिमा प्राप्त हुई है, किंतु एलोरा गुफा में ना मिलकर वो एलिफेंटा की गुफा में से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आपका सी कथन जो है असत्य है। यहाँ पे अगर आपके सामने एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा होती एलोरा गुफा के स्थान पर, तो आपका ये कथन भी सत्य होता। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन इसलिए बना रही हूँ कि आप, हमारा नेट जा रहा है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि आप कई स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उसमें सत्य असत्य पूछ लेंगे, और आपको आंसर जो है कोर्ट में बना देते हैं, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, या ए बी सही है, सी डी सही है, ऐसा करके
आपका कूट में ऑप्शन दे देते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको जितने अधिक से अधिक फैक्ट पता रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन बना के क्या, तो आप तो देखेंगे कि जो एग्ज़ाम दिए हैं एक दो बार उनको पता ही होगा कि कभी कभी तो होता क्या कि आपको एनसीईआरटी से या मेडल ओडल के तो से संबंधित अगर आप देखें हिस्ट्री से ऐसे देते हैं, एक पैरा ही उठा के दे दिया किसी यात्री के ऊपर या किसी संतों के ऊपर या ये सूफी संतों पे, और फिर उनमें से आपके पूछ लेंगे या दो चार फैक्ट ऐसे लिख के लाइन से दे देंगे, फिर पूछ लेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का जो असत्य का कथन है वह है सी, एलोरा की गुफा से लकुलिस की प्रतिमा मिली है। यह कथन असत्य है क्योंकि उनकी प्रतिमा जो है एलिफेंटा की गुफा से मिली है। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि संगम साहित्य मणिमहकले में किस शैव संप्रदाय का उल्लेख कट्टर शैव के रूप में हुआ है। संगम साहित्य का मणिमहकले में किस शैव संप्रदाय का उल्लेख कट्टर शैव के रूप में हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मणिमहकले जो है ये एक संगम साहित्य का ग्रंथ है, और इसमें किस शैव संप्रदाय का उल्लेख कट्टर शैव के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सामने पार्श्वपद, कालामुख, कपालिक। तो इसका सही उत्तर है कपालिक संप्रदाय जो था शैव संप्रदाय का, मणिमहकले संगम साहित्य का जो ग्रंथ है मणिमहकले उसमें वो कट्टर शैव के रूप में उनका उल्लेख हुआ है। तो ये रहे हमारे आज के मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और जो वीडियो को नहीं आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, लाइक वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन को लेके है, जैसा कि आज मैंने बताया कि कल का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पर उसका आंसर जो है उसमें रिकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की चल रही, तो उसको मैंने वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है उसका आंसर भी, और प्रिंट कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। और आज वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने उन क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। और एक बार फिर बता देते हैं कि उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें आपसे पूछा था कि 5 रात संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत क्या था। ऑप्शन थे आपके भक्ति सिद्धांत या व्यूह सिद्धांत, और एक ऑप्शन था तो उसका सही उत्तर है व्यूह सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए ऑप्शन घोर अंगिरस उनके गुरु थे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं इसी तरह के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।